यू मस्ट बी कंफ्यूज राइट हाउ टू प्लान योर टाइम टेबल और योर रूटीन, या फिर हम किस तरीके से पढ़ाई करें जिस तरह से हम लोग एक घंटे में भी दो घंटे जितना काम कर ले, मतलब हाउ टू स्टडी प्रोडक्टिवली और हाउ टू मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम यू आर हैविंग विद यू राइट. तो आप में से काफी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती होगी कि आप लोग सोचते हो गए यार दिन में 24 घंटे है ही क्यों, भगवान को दिन के लिए ज्यादा घंटे बनाने चाहिए थे क्योंकि हमें ज्यादा पढ़ना होता है. बट क्योंकि दिस इज यूनिवर्सल थिंग, इट कैन नॉट चेंज, बट वी कैन चेंज. हम अपने आप में चेंज ला सकते हैं. और इन 24 घंटों को 25, 26, 27 घंटों में कैसे कन्वर्ट किया जाए उसके बारे में आज हम बात करेंगे राइट. अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं तो हम लोग नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर मैं मेंटली बोलूं तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, यहां पे मेरा मोटिव है आपको ये बताना कि अगर आप एक घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो उस एक घंटे में दो घंटे जितनी पढ़ाई आप कैसे कर सकते हो, मतलब हाउ यू कैन गेन एन एक्स्ट्रा एज फॉर योर स्टडीज, आप किस तरीके से कर सकते हो. अब आपको अगर आप एक घंटा पढ़ रहे हो उसमें अगर आप आधे घंटे जितना भी पढ़ते हो तो आपका आधा घंटा उस एक घंटे में वेस्ट हो जाता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग राइट. इफ यू आर स्टडिंग फॉर 1 आवर और यू गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड योर स्टडी टाइम रिमेन्स फॉर ओनली 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स गेट्स वेस्टेड इन द नोटिफिकेशंस और इधर योर पेरेंट्स कॉल यू और इधर योर फ्रेंड्स कॉल यू राइट. ऐसा होता है. अदरवाइज आप बहुत टेंशन ले जाते हो कि मेरे से नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे क्या करना चाहिए, और आप ये टेंशन ले जाते हो कि मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है. अब आपको करना क्या है, जब भी आप किसी भी चीज को प्लान कर रहे हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपके साथ पिछले सेशन में डिस्कस किया कि आपको प्लान करना बहुत जरूरी है ना. हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर चीज को कनेक्ट करते हुए चलेंगे. आपको प्लान करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपके पास प्लान नहीं होगा आप बहुत डायरेक्शनलेस हो जाओगे कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है. अब प्लान कैसे कर सकते हो, स्टार्ट विथ इजी थिंग्स कि आप अपना दिन, जैसे एक दिन का मैंने आपको बोला था प्लान करना, तो उसमें आप क्या करो कि स्टार्टिंग में आप 3 घंटे का प्लान लेके चलो, फिर 3 घंटे जब कंप्लीट हो जाए टेक अ ब्रेक, नेक्स्ट 3 घंटे का फिर प्लान कर सकते हो. प्लस जब भी आप किसी भी टॉपिक को कर रहे हो, सपोज यू गेट कंफ्यूज इन एनी ऑफ द थिंग्स, आप किसी टॉपिक में कंफ्यूज हो गए और बहुत ज्यादा सोचने के बाद भी वो आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है ना. अब इट्स बेटर, सब बोलते हैं कि आपको एक टॉपिक पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. मैं भी आपको वही बोलूंगी कि आपको एक टॉपिक पे टाइम वेस्ट नहीं करना है. अगर आपको लग रहा है मुझे इसके सोर्सेज अच्छे से नहीं मिल रहे हैं, मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, जस्ट नोट दैट थिंग आउट ऑन अ पेन और विद अ पेन ऑन अ पेपर. आप अलग से उस चीज को नोट कर लो एंड जब आपका वो शेड्यूल उतने पार्ट का खत्म हो जाए ना स्टडी का, तब आप फिर से उसको देखोगे, उसको रेक्टिफाई करोगे. सेकेंड थिंग, अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट जिस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप उस मॉक टेस्ट को ये समझो कि अगर एक घंटे का है ना तो एक घंटा उसको प्रोडक्टिवली दो. आपको अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, आप उसको करने की कोशिश करो. आप ये मत सोचो कि मेरे को मॉक टेस्ट नहीं आ रहा है, आई एम सिटिंग आइडल एंड आई विल सी द सॉल्यूशंस, किसके सॉल्यूशंस क्या रहते हैं. नहीं, आपको उस टाइम को भी यूटिलाइज करना है, आपको कोशिश करनी है. अगर मेरे साथ पेपर में ये होता तो मैं क्या करता राइट. तो आपको इस तरीके से भी यूटिलाइज करना है. प्लस अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि आप फोन से बिल्कुल दूर हो जाओ, क्योंकि आजकल सब लोग फोन्स पे पढ़ते हैं, सब लोग लैपटॉप्स पे पढ़ते हैं. इफ यू आर यूजिंग योर फोन, अगर आप अपना फोन यूज कर रहे हो तो सिंपली मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अपना सब व्हाट्सएप फेसबुक सब बंद कर दो, बिकॉज नहीं, इनके बिना आजकल नहीं चलता है. क्योंकि आपके काफी सारे ग्रुप्स होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से आपको स्टडीज में हेल्प मिलती है. सो व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, जब भी आप अपना फोन यूज कर रहे हो जस्ट म्यूट ऑल द नोटिफिकेशंस. जितनी भी नोटिफिकेशंस आपके फोन पे आ सकती हैं सोशल मीडिया रिलेटेड, उनको आप म्यूट कर सकते हो, वो आपके पास ऑप्शन होता है. जब आप अपने स्टडी शेड्यूल को खत्म कर लोगे तब आप उसको फिर से देखोगे. ये चीज कर सकते हो. और क्या कर सकते हो, अगर मान लो आपका कोई स्ट्रांग एरिया है, किसी चीज में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो आप उसको कोशिश करो कि आप उसको कम टाइम में खत्म कर सको, ताकि आपका जो वीक एरिया है उसके लिए भी आपको टाइम मिल जाए. तो आपको चीजों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है कि क्या चीजें आपके लिए बेनिफिशियल हैं और क्या चीजें अभी आप इग्नोर करके बाद में कर सकते हो. अगर आपने इन दोनों चीजों का बाइफर्केशन कर लिया ना कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मुझे अभी करनी है, और ये चीज इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं बाद में भी कर सकता हूं, तो अगर आपने बाइफर्केशन कर लिया तो दिन में अगर आप सोचोगे
कि मेरे पास 24 घंटे हैं तो नहीं, वो प्रोडक्टिवली आपके पास 25 घंटे बन जाएंगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा हर एक स्टेप को अच्छे से रख रहे हो। तो अगर आप अपने स्केड्यूल में चेंजेस लाओगे, सबसे पहले स्केड्यूल बनाओगे फिर उसमें चेंजेस लेकर आओगे इस तरीके के, अगर आप कुछ भी फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होंगी। एंड आई कैन गारंटी यू दिस, आपको वो एक घंटा दो घंटे जितना प्रोडक्टिव लगने लगेगा। जस्ट यू हैव टू ट्राई दिस थिंग एंड माई फ्रेंड यू आर गुड टू गो, सो वाई वेटिंग, गो नाउ, गुड लक।